और जब आप खुद तनहा होते हैं, आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं आप दूसरों को इमोशनली टॉर्चर करना शुरू कर टॉर्चर देते हैं। करना शुरू कर अगर आप देते हैं ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस के एम्प्लॉयज को तंग करना जी। शुरू कर देंगे, इमोशनली उनको बैड फील करना शुरू करवाना शुरू कर देंगे। घर में हैं तो घर में आप इमोशनली टॉर्चर जी करने लग बिल्कुल जाएंगे, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे आपकी वो बहू है, चाहे आपका वो जीवन साथी कोई भी है ना। तो आई थिंक इमोशनल टॉर्चर मुझे लगता है फिजिकल से भी ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगले की दिमाग को या सोच को एकदम से सुन कर रहे हैं अपनी बातों के साथ, ताकि उसकी सोचने की, समझने की, चलने फिरने की, हर चीज को फील करने की जो क्षमता ही चली जाए। ज्योति जी, शरीर के घाव भर जाते हैं, मन के घाव नहीं भरते। बिल्कुल मन के घावों में जो पस होती है या जो दर्द होता है वो और गहरा होता चला जाता है, और गहरा होता चला जाता है। शरीर की चोट के अगर निशान भी हैं तो वो निशान भी चले जाते हैं, लेकिन मन जो होता है, मन में जो चोट होती है, मन उसको सहेज लेता है, फिर उसमें पानी और खाद देता है, और वो जो मन की जो चोट है वो दिन ब दिन बढ़ती है और बढ़ती बड़ी है। रफ्तार से बढ़ती है। मन की चोटों के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है, मन की चोटों के लिए कोई पेन किलर नहीं है, बिल्कुल मन की चोटों के लिए कोई इंजेक्शन नहीं है। इसलिए मन की चोटों के लिए हमें पहले तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में ना रहें जहां मन को चोट पहनती है, और अगर हमें रहना ही पड़ता है तो वी मेक श्योर, सबसे पहला कदम है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें कि ये मेरे साथ इमोशनल टॉर्चर हो रहा है। बहुत सारे लोग डिनायल में रहते हैं, वो ये मानते ही नहीं कि उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, बिल्कुल वो समझते हैं मेरी जिंदगी ऐसे ही है, सब जगह ऐसे ही होता है। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा, मियां बीवी में लड़ाई तो चलती रहती है, तू तू तो तू तू मैं तो चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? नहीं चलनी चाहिए। ये ऐसा क्यों है? कभी ऐसा तो नहीं होता कि आप कार चला रहे हो, कार रुक जाए और आप बोलें कार तो रुकती रहती है? नहीं रुकती रहती, सभी जो है अच्छी सवारी कर रहे हैं। अगर आपकी कार रुक रही है तो आपकी कार में प्रॉब्लम है। या